सो मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? वो ठीक हो गए? तो मैं हूँ आज चमोली में, और आज का जो हमारी प्लानिंग है वो अभी चल कर डिसाइड करनी है, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा ना काम वगैरह रह रहा है बाइक का। तो बाइक का पहले चल के चेंज सेट लगवाते हैं, और बाकी ना जिस भाई से कल पावर बैंक लिया था एक बार उसके पास भी जाएंगे यार, पावर बैंक चेंज कराएंगे। इसका बैकअप नहीं है बिल्कुल भी। अगर कर लेगा ठीक है, नहीं करेगा तो आपको शॉप बता दूंगा भाई, मत जाना, 1% भी मत जाना, ठीक है। बाकी यहाँ पर अपने कैंप पैक हो रहे हैं, हमने अपना कैंप पहले ही पैक कर लिया था। ये भाई थोड़े से ना लेट है, बाकी सामान सारा उधर पैक पड़ा है। अब चल के बाइक पे बांधते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं, पहले बाइक का ही काम करा लेते हैं चल के। तो दोस्तों बाइक हमारी हो चुकी है कोल्ड स्टार्ट, सामान सारा बन चुका है, और ये अपना चेन सेट। अभी चल के ना पहले ना पावर बैंक चेंज कराएंगे, और उसके बाद ये चेन सेट लगवाते हैं बाइक में। देन ये भाई अभी जो भाई लोग हैं ये सारे अभी यहीं पर हैं, और ये शायद अभी जोशीमठ जाएंगे, तो देखते हैं, या तो रास्ते में इनको कवर अप कर लेंगे अगर ये थोड़ी सी लेट निकले तो चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ उस शॉप के बाहर जहाँ से मैंने पावर बैंक लिया था। बाकी ये है वो शॉप, और शॉप आज बंद है क्योंकि ना संडे को मार्केट बंद होती है। बाकी वो आइसक्रीम वाले भाई दिख रहे हैं, वो उनके जानकार है, तो उन्होंने कॉल पे उनसे बात करा दी थी और उनसे रिटर्न ले लिया है पावर बैंक, और पेमेंट मुझे पूरी दे दी है, तो ये चीज़ ठीक है। बट यार सही बताओ ना, लोकल चीज़ किसी को देनी नहीं चाहिए। ये तो चलो मैं था कि वापसी आ सकता था, अभी टाइम था थोड़ा, जिसके पास टाइम ना हो लेके कहीं इमरजेंसी में फंस जाए वो तो फिर गड़बड़ा है। एक तो बंदा पैसा लगाए, ऊपर से ऐसी चीज़ मिले तो। बाकी यार लोकल प्रोडक्ट्स बनाने वाले भी तो ऐसे ही हैं। तो ठीक है, निकलते हैं आगे जोशीमठ के लिए। बाकी भाई लोग जोशीमठ गए हैं, तो चलते हैं। जोशीमठ नीचे से ही है ना? तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों चमोली से ना 5-1 किलोमीटर, जहाँ पर हमने मतलब स्टे किया था उससे 3-4 किलोमीटर ऊपर फाइनली पेट्रोल पंप मिल चुका है, और हमारा इसमें वैसे भी लास्ट पॉइंट ही बच रहा था, आगे पता नहीं कितनी दूर मिलता। फटाफट से रिफिल करा लेते हैं। रिफिल कराते हैं और उसके बाद निकलते हैं। आई थिंक बद्रीनाथ निकलेंगे, तो करा लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों फ्यूल अप करा के निकल चुके हैं, और प्लान हो गया बद्रीनाथ जाने का, और बद्रीनाथ यहाँ से पड़ रहा है 86 किलोमीटर। तो यार 2 से 3 घंटे आई थिंक लग ही जाएंगे, और अगर जाम हुआ तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो आज चलते हैं बद्रीनाथ धाम, हर हर महादेव। तो दोस्तों देख सकते हो बहुत ही ना बुरा हाल हो रखा है यहाँ की रोड वगैरह का, बहुत ज़्यादा बुरा देख सकते हो, यहाँ रोड नहीं बच रहा, पत्थर ही बच रहे हैं बस। और यहाँ ज़्यादातर रास्ता ऐसा ही है, बीच बीच में किसी किसी जगह ना ऐसा ही रास्ता है, और बाकी अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हो ना तो रुकना मत, रुकना यहाँ बेकार है, चलते रहो, थोड़ा सा धीरे चलो लेकिन चलते रहो, रुको मत, यहाँ स्टे करना बेवकूफ़ी है। बाकी देख रहे हो रोड भी छोटी होती जा रही है कई कई जगह पे, और ये सिंगल रोड है, सिंगल लेन पे, मतलब दोनों साइड चलेंगे। बाकी यार मौसम लग रहा ख़राब हो रहा है आगे, तो देखना पड़ेगा, आई थिंक रुक के ना रेन कवर डालना पड़ेगा अगर बारिश बुरी स्टार्ट होगी तो। बाकी इधर रुकने की भी कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ का काम ना कितना सही चल रहा है, और देख रहे हो ये छोटी छोटी ना सुरंगों ना रखी है, और अगर ऐसे ही बनती रहेंगी ना, अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होएगी कि ना व्यू ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये है कि थोड़ी सेफ्टी तो रहेगी यार। ये सीन बढ़िया है, ऐसी सुरंगें बनाते रहेंगे ना अगर, ये बहुत बढ़िया रहेगा।
बंदा थोड़ा सा सेफ, थोड़ा बहुत तो सेफ हो ही जाएगा, बाकी बारिश वगैरह से भी बच जाएगा। तो दोस्तों बद्रीनाथ सिर्फ 57 रह गया है और जोशीमठ सिर्फ 13 किलोमीटर। तो देखते हैं, पहले जोशीमठ पहुँचते हैं यार फटाफट, वहाँ पर अपने ये जो दो भाई और हैं ये हो जाएंगे अलग। बाकी रिशदीप भाई अभी गए हैं ऋषिकेश, वहाँ से आएंगे आई थिंक परसों। बाकी जोशीमठ हम तीनों जा रहे हैं, और बाकी जो हम तीन बचे थे हम लोग जा रहे हैं जोशीमठ। जोशीमठ के बाद देखते हैं, वहाँ से सारे ना अलग हो जाएंगे, फिर से सोलो हो जाएंगे सारे। और बाकी जब भाई आ जाएंगे तो उसके बाद फिर देखेंगे ये आगे कैसे प्लान करना है। बाकी चलते हैं अभी जोशीमठ। तो दोस्तों जोशीमठ से ना 5-6 किलोमीटर पहले ब्रेक लिया था क्योंकि बारिश आने लग गई थी, और पता नहीं बैग की पन्नी एक मिल नहीं रही, बाकी एक हमने लगाई रखी है। तो जो हमारा रेन कवर था वो हमने बैग पे लगा लिया था, बाकी अभी मौसम ना थोड़ा क्लियर हो गया है। तो अभी निकलते हैं, या जोशीमठ तो आने वाला है, 5.5-6 किलोमीटर ही है बस यहाँ से। बाकी बद्रीनाथ फिर पड़ जाएगा हमारे को लाइक 40 किलोमीटर के आसपास, 40-45। तो आज ना सीधा बद्रीनाथ ही चलते हैं, निकलते हैं। दोस्तों निकल चुके हैं आगे, बाकी आगे ऐसा लग रहा है बारिश हुई नहीं, और अभी मतलब बारिश हो रही थी बट अभी जब बारिश रुकी है उसके बाद मैं आगे आ रहा हूँ, तो देखो बिल्कुल क्लीन रोड है। बाकी पहाड़ों पे ऐसे चलता ही रहता है, किधर बारिश किधर कुछ भी नहीं। थोड़ी सी और आगे आए थे शायद बारिश ना मिलती, और अभी थोड़ी और कवर कर लेते रास्ता। चलते हैं, वो दो भाई अपने शायद आगे निकल चुके हैं, बाकी कहीं अगर दिखेंगे देन ठीक है, नहीं दिखेंगे तो सीधा सीधा बद्रीनाथ चलेंगे और बद्रीनाथ जी के दर्शन कराएंगे आपको। तो दोस्तों फाइनली एंटर कर चुके हैं जोशीमठ में, और पीछे एक कट जा रहा था ओली के लिए, बाकी जोशीमठ से जो बद्रीनाथ का रास्ता बच रहा है हमारा वो बच रहा है 45 किलोमीटर्स। तो ये भी आई थिंक 1-1.5 घंटे के आसपास कवर हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा ना आराम से चल रहे हैं तसल्ली से। तो ठीक है, इसे भी कवर कर लेते हैं। बाकी भाई लोग शायद अपने कहीं रुक गए होंगे, स्टे कर लिया होगा, या फिर वो अपना अलग अलग चले गए होंगे कहीं। तो ठीक है, निकलते हैं बद्रीनाथ जी के लिए। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ विष्णुप्रयाग, और यहाँ से बद्रीनाथ पड़ता है 35 किलोमीटर्स। तो यार टाइम ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ना रास्ता ख़राब भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी तो चलो ढलान भी थी, ऊपर चढ़ाते टाइम अलग हालत ख़राब होने वाली है, हाथ दर्द कर चुके हैं आज, और थोड़ी सी नींद भी आ रही थी इसलिए मैंने जब पिछला ब्रेक लिया था ना थोड़ा सा लंबा ले लिया था। बाकी रोड आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर रोड है, तो करते हैं फटाफट से कवर करते हैं, चलते हैं खींचते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों विष्णुप्रयाग के बाद वाला जो एरिया है ना, मजाक नहीं, बहुत ही मज़ेदार है। रोड इतने बढ़िया स्मूथ रोड, मतलब काफ़ी चौड़े चौड़े रोड भी हैं, और मतलब देख सकते हो आप, व्यू देखो यार, व्यू देख के ना दिल खुश हो जाएगा आपका। तो दोस्तों देख रहे हो व्यू, देख रहे हो व्यू, कितनी नीचे नीचे चट्टाने हैं, और रास्ता वैसे ना पूरा कंस्ट्रक्ट हो रहा है अभी फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर। और जो पहाड़ है ना, जो ज़्यादा मतलब पत्थर गिरते हैं जिनसे, उनको भी मतलब ब्लॉक कर दिया जा रहा है, लाइक जाल जूल लगाया जा रहा है। जाल जूल लगाने के बाद प्रॉपर मतलब ऐसा हो जाएगा कि मतलब थोड़ा बहुत तो सेफ्टी हो जाएगी, छोटे मोटे पत्थर तो गिर सकते हैं, बड़े फिर उसके बाद रुक जाएंगे। जैसे केदारनाथ वाले रास्ते में वो कर रखा था ना, सीमेंट से पूरा का पूरा कवर अप कर रखा था उसको, सीमेंट से कवर अप करने के बाद वो कुछ टाइम के लिए मजबूत हो जाएगा बहुत ज़्यादा, वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो यार बढ़िया काम कर रही है यार सरकार, और लोग कहते हैं सरकार कुछ कर नहीं रही, सिर्फ महंगाई बढ़ा रही है। अरे महंगाई बढ़ा रही है तो क्या हुआ, कहीं से तो उसको भी निकाल लेना है पैसा, हमारे लिए तो कर रही है। बाकी यार 25 तारीख को आ रहे हैं वोट, घर वाले तो बुला ही रहे हैं, देखते हैं पहले एक बार ये ना बद्रीनाथ कर लेते हैं,
उसके बाद सोचते हैं कि आगे कहाँ जाना है या सीधा डायरेक्टली घर जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं, ऐसे आसान ही वाला है, थोड़ा सा रह गया रास्ता, लेकिन ख़राब बहुत है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ से 20-22 किलोमीटर पहले जाम देख रहे हो कितना है, ये पीछे काफ़ी लंबा जाम आ रहा है। हम तो बाइक वाले हैं, हम तो साइड से निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा जाम है, आई थिंक ये हेमकुंड साहिब का भी हो सकता है, क्योंकि हेमकुंड साहिब का रास्ता भी तो यहीं से कटता है। ये कहाँ के लिए है? बद्रीनाथ जाना है मेरे को। बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन कर दोगे? मैनुअल एंट्री करा लो रजिस्ट्रेशन। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन की वजह से ही इतना ज़्यादा लाइन वगैरह लग रही है। तो यार चलते हैं, करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहा है। रजिस्ट्रेशन कराते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये बना हुआ है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, करा लेते हैं फटाफट से। आधार कार्ड, तनुज, TANUJ। हेमकुंड साहिब के लिए और बद्रीनाथ के लिए कौन एक ही रजिस्ट्रेशन चलेगा? अच्छा, उसका नहीं खुला है, सिर्फ बद्रीनाथ का है। मोबाइल नंबर बोलिए अपना। 88। दोस्तों, कल रात को हो चुका था काफ़ी ज़्यादा लेट और ठंड हो चुकी थी यहाँ पर ज़्यादा, बाकी रूम सिंगल पर्सन का यहाँ कहीं नहीं मिला, तो हमने डोरमेट्री वगैरह ले लिया था और रात को फिर आके मैं सो गया था, तो वो वीडियो बनाया नहीं मैंने, तो मॉर्निंग में उठ के बना रहा हूँ। बाकी सामान काफ़ी सारा है हमारे पास, आपको जैसे पता ही होगा। बाकी ये सामान रखने के चक्कर में ही मुझे रूम चाहिए था जो कि नहीं मिला, तो डोरमेट्री लेनी पड़ी। बाकी जिनकी ये डोरमेट्री है, उन्होंने कहा था कि ठीक है जब आप दर्शनों के लिए जाओ बैग रखवा सकते हो, तो ठीक है, इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं और कराते हैं आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पर नए हो तो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।